दोस्तों, झारखंड में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार राज्य में सड़क, पुल और रेल से जुड़ी योजनाओं में रफ्तार लाने का काम शुरू हो गया है। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड को कई सौगात दी है। झारखंड में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को 21 सड़क परियोजना का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार के दिन को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि राज्यवासियों को 21 सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बेहतर सड़कों के निर्माण से विकास कार्यों में तेजी आएगी। झारखंड में खनिज और ट्रांसपोर्टिंग सड़क मार्ग से ज्यादा होती है, अतः यहाँ गुणवत्तापूर्ण सड़क होना आवश्यक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कुल 539 किलोमीटर लंबी 21 सड़क परियोजना का लोकार्पण तथा शिलान्यास कार्य को संबोधित कर रहे थे। जिन सड़कों का उद्घाटन हुआ है उसकी कुल लंबाई 245.19 किलोमीटर और लागत लगभग 2,433.66 करोड़ है। वहीं शिलान्यास किए जाने वाले 14 सड़क परियोजनाओं की कुल लंबाई 184.8 किलोमीटर है और इस पर लगभग 754.71 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 205 करोड़ रुपए, 18-19 में 169 करोड़ रुपए और 19-20 में लगभग 500 करोड़ रुपए तथा वित्तीय वर्ष 2021 में 675 करोड़ रुपए राज्य के निर्माण के लिए विकास ने नियमित आवंटित किए हैं। आज हम सड़क निर्माण कार्य की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक सड़क परियोजनाओं का DPR केंद्र सरकार को प्रेषित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण तथा फॉरेस्ट क्लियरेंस के प्रति सजग है। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ सड़क निर्माण कार्य में NHAI के साथ संबंध स्थापित करके आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमंत्री से भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर, धनबाद, संबलपुर, रांची, वाराणसी, रांची, रांची पारादीप तथा बख्तियारपुर और मांझी इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण कार्य और साहिबगंज स्थित गंगा नदी पर ब्रिज निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया है। उन्होंने झारखंड से बंगाल, उड़ीसा एवं यूपी को हाई स्पीड कॉरिडोर से जोड़ने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण होने से राज्य को इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड के कई महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण का कार्य NHAI को दिया है। ऐसे में सड़क निर्माण कार्य में झारखंड जैसे पिछड़े राज्य पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने सड़कों के किनारे एलिफेंट कॉरिडोर तथा वृक्षारोपण कार्य निश्चित रूप से किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि चिन्हित एलिफेंट कॉरिडोर को विशेष ख्याल रखते हुए हमें सड़क निर्माण कार्य में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण कार्य में अंडरपास सिस्टम डेवलप किए जाने की भी बात कही। केंद्रीय सरकार परिवहन एवं राजमंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि झारखंड में सड़क निर्माण कार्य राज्य सरकार की इच्छा के अनुरूप किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतमाला योजना के तहत बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर का अगले वित्तीय वर्ष पर पूरा कर लिया जाएगा। कहा कि झारखंड में अगले 3 वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपए सड़क निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।